गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो, कैसे क्या हुआ? अभी जस्ट मैंने एक ब्लॉग एंड किया है. जिन्होंने मेरा पिछला ब्लॉग देखा हुआ उनको पता है इसी गेटअप में यही थी मैं. मतलब अभी जस्ट मैंने एंड किया है और ये देखो ये बन रहा है मेरा जैसा चावल बन के रेडी है और ये मेरा रायता तैयार है. कल वाली दूध का दही बना के रायता भी बन गया है. दही हमने कल सुबह, आज सुबह भी खाई, कल रात को भी खाई और अभी का मैंने फिर से रख दिया है दही जमाने के लिए. मैं आपको दिखा रही थी कि इनकी कोई पहचान का है ना यहाँ पे, तो उन्होंने पता घर के आम दिए हैं, ये देख रहे हो सॉरी. और ये मैंने अभी एक कट किया है, बिल्कुल ऐसी खुशबू आ रही है जैसे मार्केट की तरह. ये देखो काफ़ी ज़्यादा आम है और कुछ पके हैं, कुछ अभी कच्चे हैं. जैसे ये कच्चा है, ये पका हुआ है, ये भी पका है, ये हल्का हल्का पका है. तो कुछ पके हैं, कुछ कच्चे हैं, बट काफ़ी हैं. और किसी एक भाई साहब ने 2-3 किलो हमें भिंडी दी थी, तो अकेले इतनी भिंडी तो खाई जाती है नहीं ना, तो आधा थोड़ा मैंने ये बगल वालों को दी. ये जो बगल पे दीदी लोग रहते, जहाँ हनी जाए रहता, हनी जिनको कहता है ताई ताई ताई, उनको दिया है. और कुछ हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भिंडी बची हुई है. तो खाना बन चुका है, मैंने कहा चलो अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ. और हनी के बाल देखो, तीसरे साल में हम इसका मुंडन करवा देंगे क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और बच्चे परेशान हो जाते हैं बाल लंबे होके ना, गम्मी हो रही गम्मी. तो चले फिर, ये मेरा बन के तैयार है. सैलेड कट गया है, रायता बन चुका है और भात बना हुआ है. तो हम खाना खाते हैं और मैं आप लोगों से मिलूंगी सीधे शाम को. तो घर के आम आप लोग भी खाइए, बड़े मस्त और टेस्टी लग रहे हैं, हो भी बड़े अच्छे रहे, खुशबू बड़े अच्छे आए और मीठे हैं. तो चलिए सीधे शाम को मिलूंगी आप लोगों से. गुड इवनिंग एवरीवन, हम दोनों आज फिर आ गए हैं घूमने. हम काफ़ी, एक सेकेंड हाँ, मैं मुंह से ये निकाल रही थी ना, मेरी आवाज़ नहीं निकाल रही थी. हम काफ़ी दूर आ गए हैं चल के घर से. मेरी जो साड़ियाँ थी ना, मैं उन पर फॉल पिको करने के लिए लेकर आई थी, तब मैं उन पर फॉल लगाऊंगी. ये देखो नदी, कहाँ है नदी? ये है नदी, कहाँ है नदी? इधर देखो नदी कहाँ है बताओ. तो मेरा हनी और मैं थोड़ी देर यहाँ पे इसको नदी दिखाऊंगी क्योंकि इसके पापा शायद इधर के साइड गए हैं ना, जहाँ दुकान खोली है. तो वहाँ से जब ये आएंगे तो देखते हैं, अगर हमको देख लिया तो ठीक है, उनके साथ चले जाएंगे, अदरवाइज पैदल पैदल निकल जाएंगे, है ना. बहुत दूर आ गए आज हम, परसों तो, कल तो मैं फील्ड तक आई थी, आज मैं बहुत दूर आ गई हूँ. अच्छा लग रहा ना ये, देखो लोग देख रहे हैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा मैं इसको घुमाती हूँ. नदी है सुहाना, ये मौसम हसी, पहाड़ क्या कहें ना उसे. बारिश हो गई और हम यहीं अटक गए हैं आधा रास्ते में, यहाँ पे हम रुके हैं. ये देखो यहाँ पे दुकान के नीचे, हनी इधर देखो, हनी बारिश हो गई ना, ये देखो मेरा हनी. यार इसके पापा ना तो मैसेज कर रहे हैं ना फ़ोन कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ हैं. और ये देखो मेरा गनी, एक नज़र है उसके उधर, पापा आएंगे, पापा आएंगे. ये देखो बारिश से, देखो इसमें इतना नहीं दिख रहा लेकिन काफ़ी बारिश लगी है हल्की हल्की. हाँ मम्मी, हाँ गोदी आ रहा, चल आ जाते. गुड मॉर्निंग एवरीवन, और अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी बज रहा है 8:30. तो मैं अभी मॉर्निंग के टाइम पे नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ. मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी. तो अभी हनी के पापा आज ऑफिस चले गए थे थोड़ी जल्दी, 7:30 बजे करीब चले गए थे चाय पी के. हाँ तो उसके बाद कुछ काम पड़ गया था इनका ऑफिस में, तो उसके बाद वापस आए थे 10 बजे करीब. 10 बजे करीब मैं 9:30 बजे करीब आए थे, फिर 10 बजे फिर गए थे ऑफ़िस. तो अभी हनी सोया है और
ये भिंडी मैंने आपको बताया था ना, किसी ने दी थी इनके ऑफिस में, जो पहचान के हैं तो उन्होंने दी थी। तो बस कुछ हमने बना दी, कुछ बना रही हूँ, कुछ बाकी है, कुछ मैंने बगल पड़ोसी को दे दिया है। काफ़ी भिंडी भिंडी खाने का भी मन नहीं करता है। और अभी मैं एडिटिंग रात के टाइम पे कर रही हूँ, आपको हनी की आवाज़ भी आ रही होगी पीछे से। तो हनी बस, हनी को लग रहा है ना मम्मी काम कर रही है तो बस परेशान करता रहता है। और आज मौसम ठीक है, बारिश ठीक नहीं है, मतलब बारिश होने को जैसे है। कल तो काफ़ी बारिश हुई थी और कल मैं उसके बाद वीडियो कंटिन्यू नहीं रख पाई, कुछ रीज़न थे, उसके बारे में बात करूंगी अभी आप लोगों से, क्या रीज़न थे जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। और तो ये देखिए इस तरीके से भिंडी कट करने पे पता है टेस्टी भी होती है और टाइम भी कम लगता है। मतलब तीन टुकड़े करो और उसके छोटे छोटे से टुकड़े करो, है ना। तो चलिए फिर मैं रखती हूँ भिंडी की सब्ज़ी। चलिए तो सब्ज़ी बन के तैयार है और मैंने रोटियों की गोलियाँ बना के रख दी थी ताकि आसानी हो जाती ना, फटाफट से बेलो और फटाफट से सेको। तो ये जो घी था वो मैंने हल्का सा गरम करके, थोड़ा बहुत टाइट हो जाता है ना फ्रीज में तो लगने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, और बिल्कुल पानी की तरह बन जाए तो अच्छे से हो जाता है। और हनी आपको दिख रहा होगा बगल पे खेलता हुआ, और थोड़ा परेशान कर रहा था वो क्योंकि वो जस्ट उठा है, तो उठने के बाद थोड़ी देर उसको होता है कि मम्मी साथ में रहे, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा था। मैंने कहा यार, मैंने अंदर तवा रख दिया था गर्म करने के लिए, तो मैंने कहा तू तो करता रहेगा परेशान, है ना। और उसके बाद हनी के पापा भी आ चुके थे, तो अभी मैंने सफाई नहीं की है। हाँ मैं आ रही, तो मैंने अभी झाड़ू पोछा बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है, तो मैंने कहा पहले मैं नाश्ता रेडी कर देती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी। और कल शाम को मैं उसकी बात वीडियो कंटिन्यू नहीं रख पाई, उसका कोई रीज़न है, वो मैं अभी थोड़ी देर में बात करूँगी इसके बारे में। और अभी आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे से, तो रात के टाइम पर मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो हनी वही परेशान करता रहता है, मम्मा मम्मा। हाँ आ रही हूँ, चलो। तो बस ये देख सकते, ये वाली पता है, ये पराठे कोई अलग नहीं है लेकिन थोड़ा सा अलग लगता है बनने के बाद, अच्छा लगता खाने में। और नॉर्मल से जो रोटी की तरह बनती फिर वो रोटी की ही तरह हो जाती है। तो हनी भी वहाँ पे कह रहा था मम्मा मम्मा, मैंने कहा हाँ मैं आ रही हूँ, तो बाहर चले गया वो खेलने के लिए। और तो अभी आजकल मौसम इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है ना, आज थोड़ा ठंडा सा था, सुबह से मौसम चेंज है, बारिश होने की पूरी संभावना है। कल तो क्या बताऊँ क्या हाल हो गए थे मौसम के और बारिश के, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज पराठे बना लेते हैं, है ना। भिंडी में वैसे भी अच्छे लगते हैं, और ये देख रहे फूल रही हैं, पराठे फूल रहे हैं, मतलब उसके अंदर मैंने हल्का सा घी लगा रखा ना, घी लगाने से अच्छे से फूल जाती है और फूलने से अच्छे से पक जाते हैं रोटियाँ, क्योंकि डबल फोल्ड हो जाते हैं ना रोटियाँ, तो इसलिए। और बस यार आज थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा है मुझे, और घी से ना पराठे बनाओ तो और ज़्यादा हेडेक होता है। तो चलिए फिर ये दो चार पराठे इनको बना लेते हैं। हेलो एवरीवन। हाँ नहीं नहीं नहीं, मम्मी पे लग जाएगी, मत करो मत करो, देख लेना फिर लगेगी तो मैं पिटाई करूँगी। हाँ गेमा खेलो, जाओ गेमा खेलो, आपको बिलीव नहीं होगा इसकी इतनी गंदी आदतें हो गई हैं। पहले तो गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून, और इसकी इतनी गंदी आदतें हो गई ना, कुछ भी चीज़ अगर इसके हाथ पे तो फेंक के रहा, देख लेना फिर मैं डंडे से पिटाई कर दूँ, देख लो आप, देखा आपने कैसे फेंका उसने, उसको कोई वो नहीं है, खोपड़ी पे फेंक देगा कभी ये कुछ भी, ये देखो तुम। हाँ नहीं देख लेना, मैं बंद कर दूँगी तेरे को छिपकली के साथ। और यार कल शाम को आप लोग कह रहे होंगे कि उस टाइम पे थोड़ी सी क्लिप बनाई थी मैंने शाम के टाइम पे की कल, और उसके बाद वीडियो नहीं बनाया, वो इसलिए क्योंकि जहाँ पे हम रुके थे ना, बारिश हुई थी, रुके थे तो बहुत ही खतरनाक वाली बारिश हुई, जो सडनली जो बारिश होती है ना, जिसका पता ही नहीं था कि बारिश हो जाएगी। मौसम ऐसा परसों भी बना हुआ था बारिश का, लेकिन हुई नहीं थी, लेकिन कल इतनी खतरनाक बारिश हुई उसके बाद, और इसके पापा का फ़ोन ही नहीं लग रहा था। मैं मतलब सडनली रोने वाली शक्ल मेरी हो गई थी, मैं रोने वाली थी कि मैं अपने बच्चे को लेके घर जाऊं तो जाऊं कैसे, इनका फ़ोन नहीं लग रहा है, और जो भी इनके फ्रेंड वगैरह हैं उनके नंबर मेरे पास नहीं है, आ मत करो। और फिर किस्मत कहते हैं ना,
फिर उन दुकानदार भैया कह रहे थे कि छाता देना है, लेकिन इतनी खतरनाक बारिश थी कि छाता के नीचे भी इंसान मतलब भीग जाता है, या तो है ना, इतने मतलब गदेरे आने लग गए थे, पूरी सड़क में इतना पानी निकलने लग गया था। मेरा तो ऐसे हो गया था कि मैं अपने एक छोटे से बच्चे को लेकर जाऊंगा, मैं थप्पड़ लगा दूँ यहाँ, मेरे पे लग जाएगी, तो मतलब ऐसी मेरी स्थिति हो गई थी। ये देख रहे हो आप, ये हाल है इन बच्चों के, आजकल के बच्चे इतने बिगड़ रखे हैं। और यहाँ देखो, ये बात ही नहीं करने दे, देख रहे हो, जाओ टीवी देखा हो, जाओ टीवी देखा हो, जाओ जाओ, ऐसे करता है, देख रहे हो आप। मम्मी के साथ बात नहीं करनी, जाओ जाओ मम्मी के साथ बात नहीं करनी, जाओ जाओ मम्मी के साथ बात नहीं करनी। तो फिर पता क्या, जैसे तैसे हल्का सा नेटवर्क आया, मतलब इनके फ़ोन पे, मेरे फ़ोन पे तो नेटवर्क था, और फिर मैंने जैसे तैसे इनको फ़ोन किया, इन्होंने भी मुझे फ़ोन किया। ये यहाँ आ गए थे रूम पे, और इन्होंने देखा रूम बंद है, तो फिर इन्होंने मतलब कोशिश करी मिलाने की फ़ोन, तो तब जाके बहुत अंधेरा हो गया था, बारिश खतरनाक लगी हुई थी, अंधेरा हो गया था बिल्कुल। और इन्होंने कहा तुम दोनों हो कहाँ, मतलब आदमी पागल हो गया कि बारिश हो रही है, कहाँ गए ये दोनों, है ना। और मैं वहाँ परेशान, मैंने मतलब क्या बताया, मतलब ऐसे सोचा मैं आज के बाद जाऊँगी नहीं, लेकिन आदमी जिस टाइम पे कुछ चीज़ ऐसी होती है उस टाइम पे सोचता है, उसके बाद फिर भूल जाता है, सही भी है, भूलना भी चाहिए। और फिर इन्होंने हमें फ़ोन किया, मैंने कहा मैं यहाँ पे हूँ, और तब आए, वो तो अपनी कार है, तो ये है कि है ना उसी टाइम पे लेने आ गए, भीगे नहीं, कुछ नहीं हुआ, नहीं तो ऐसा रहता तो फिर ये भी कैसे आते इतने दूर, बहुत दूर हम थे यहाँ रूम से। और फिर हम बहुत लेट घर पे आए, और फिर वैसे ही हो गया था, नीचे सड़क से यहाँ पे आते आते वैसे भी भीग गए थे हम हल्के फुल्के। फिर मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाया, वैसे ही हो गया था, फिर इसके पापा डांटने लग गए, है ना, तो क्या क्या ऐसे मौसम ऐसा हो रखा, तो क्यों गई ये वो सब, मैं आता तो फिर साथ ही चलते साड़ियाँ देने के लिए। तो मैंने कहा यार मुझे भी क्या पता था, अगर मुझे पता रहता तो मैं बच्चे को लेके थोड़ी ना जाती। तो बस यही हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। और अभी टाइम हो गया एक दिन का, सुबह मैंने नाश्ते में मैं आप लोगों के सामने ली थी, तो दाल बनाई है मैंने अरहर की, और इस सुबह के बर्तन अभी धो के रखे, अभी नहीं धो के बहुत पहले रख दिए, देखो सूख गई हैं। तो पहले खाना खाते हैं, फिर इन बर्तनों को भी समेटूंगी और बर्तन भी धो दूंगी जो भी ये हैं। तो चलिए मैं खाना खाती हूँ, अपने वीडियो अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। हो सकता है ये ब्लॉग इसके जो नेक्स्ट ब्लॉग है शाम से स्टार्ट हो, या फिर कल से, जैसे सिचुएशन होगी देखते हैं। तो चलिए फिर, बाय बाय।